हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्याता अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपना 17 चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और लेसन का नाम क्या है, मुद्रा, अर्थ, कार्य और महत्व। तो बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि मुद्रा का जब प्रादुर्भाव हुआ उसके पहले भी तो लोग सामान का लेन देन करते थे, अपनी आवश्यकताओं के लिए वस्तुओं को खरीदते बेचते थे। तो वो कैसे होता था, क्योंकि उस वक्त तो मुद्रा नहीं थी। तो जब मुद्रा नहीं थी तो लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, अरे बार्टर सिस्टम के द्वारा चीज़ों को लेते बेचते थे, अर्थात अपनी आवश्यकता को पूरा करते थे। लेकिन अपने देखा कि वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही कठिनाई भरी थी, उसके अंदर बहुत सारी सीमाएं थी, कमियां थी और दोष थे। कौन कौन से दोष थे? दोहरे संयोग का संभावना, क्योंकि दोहरा संयोग एकदम से नहीं मिलता था। अविभाज्य वस्तु के संबंधित समस्याएं थी, भावी बचत की समस्या थी, मूल्य का मापक नहीं था, उधार के लेखे की समस्याएं, तो कई सारी समस्याएं थी। तो फिर धीरे धीरे क्या आवश्यकता हुई, किसी एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता हुई जिसके द्वारा वस्तुओं को बेचा और खरीदा जा सके। और ऐसे में जब राजा महाराजा के जमाने में बच्चों सिक्के का आविष्कार हुआ, और सिक्के भी कौन से, धातु के वो टुकड़े जिसके ऊपर राजा अपनी कोई मुहर लगा देता था। तो उस वक्त अपने क्या जाना था कि मुद्रा के लिए दो बातों का होना जरूरी है, एक तो वैधानिकता और दूसरा सर्वग्राह्य, अर्थात सभी के द्वारा वो स्वीकार की जाए। तो फिर बच्चों, अपने देखा था कि मुद्रा, अर्थात अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, मनी, और मनी कहाँ से आया है, लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से। और मोनेटा क्या है, प्राचीन रोम के अंदर एक जूनो नाम की देवी थी, उसी देवी का दूसरा नाम था मोनेटा। और वो मोनेटा क्या थी, वो स्वर्ग की देवी थी, वो स्वर्ग का सुख देने वाली थी। तो मुद्रा को भी बच्चों क्या माना है, स्वर्ग का सुख देने वाला। तो इस प्रकार मुद्रा का प्रादुर्भाव अपन लास्ट वीडियो के अंदर पर देख चुके थे। बच्चों, आज अपन आगे बढ़ेंगे मुद्रा की परिभाषाओं के साथ। तो अभी आपने दो बातें तो जान ली है कि मुद्रा वो होगी जिसमें क्या होगा, संवैधानिकता है ना, और दूसरा वो सभी के द्वारा स्वीकार्य हो। अब अलग अलग अर्थशास्त्री आए, अलग अलग विद्वान आए बच्चों, और उन्होंने मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी। सबसे पहले आए हमारे हार्टले विदर्स। कौन आए? हार्टले विदर्स। और उन्होंने कहा कि मुद्रा एक ऐसी सामग्री है जिसके द्वारा वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, अर्थात उन्होंने मुद्रा को विनिमय का माध्यम बताया कि हम मुद्रा के द्वारा किसी भी समय अपने सामान को बेच सकते हैं और अपने आवश्यकता के सामान को खरीद सकते हैं। ये किसने कहा? हार्टले विदर्स ने। उसके बाद नेप आए, और नेप ने कहा कि उस वस्तु को हम मुद्रा कहेंगे जिसको राज्य ने मान्यता दे दी हो। आ रही बात समझ बच्चों? हार्टले विदर्स ने तो कहा था कि मुद्रा क्रय विक्रय अर्थात विनिमय का माध्यम है, लेकिन नेप ने कहा था कि उस वस्तु को मुद्रा कहेंगे जिसको राज्य ने मान्यता दे दी हो। उसके बाद आए सेलिगमन। सेलिगमन ने कहा कि मुद्रा वह है जो सभी के द्वारा स्वीकार हो जाए, अने हम उस वस्तु को मुद्रा कहेंगे जो राज्य के सभी लोगों के द्वारा स्वीकार हो जाए। और तो इस तरह तीन परिभाषाएं गई। उसके बाद आए हमारे मार्शल। मार्शल ने कहा कि मुद्रा उस किसी भी वस्तु को हम मुद्रा कह सकते हैं। मार्शल ने कहा कि मुद्रा उस वस्तु को कहेंगे या हम किसी भी उस वस्तु को मुद्रा कहेंगे जो हमारा किसी समय विशेष के ऊपर स्थान विशेष में हमें क्रय विक्रय करने और हमारे भावी व्यय या हमने जो व्यय किया है उसके भुगतान के लिए बिना किसी संदेह और रोक टोक के हमारा वो कार्य हो जाए। मतलब हम उस किसी भी वस्तु को मुद्रा कह सकते हैं जिसके द्वारा हम अपना क्रय विक्रय कर सके और उस वक्त हमें किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई संदेह ना करे और कोई ज़्यादा उसकी रुकावट ना आए, ना कोई उसकी खोज खबर होए, ज़्यादा उसके बारे में संदेह ना हो, वो सारी वस्तुएं मुद्रा कहलाएगी। इस प्रकार अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने बच्चों मुद्रा की अलग अलग परिभाषाएं दी। तो इन सब को मिलाते हुए मुद्रा की एक सामान्य परिभाषा है जो कि इस तरह कि मुद्रा उस वस्तु को कहेंगे जो विनिमय का माध्यम हो, अर्थात जिसके द्वारा क्रय विक्रय हो सके, जो मूल्य का भी मापक हो, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु का मूल्य निकाल सकते हैं कि ये वस्तु महंगी है, ये वस्तु सस्ती है। कैसे कहेंगे हम? जब हमारे पास उसका मौद्रिक मूल्य होगा तो मुद्रा उस वस्तु को कहेंगे उस जिसके द्वारा हम क्रय विक्रय कर सके, विनिमय का माध्यम हो, मूल्य का मापक हो, स्थगित भुगतानों का मान, अर्थात आपने कोई भुगतान को स्थगित कर रखा है कि भविष्य के अंदर हम उसको देंगे तो उसका मान के भविष्य के अंदर उसकी कितनी वैल्यू होगी वो भी हमें मुद्रा के द्वारा पता चलेगा। मूल्यों के संचय, हमने वस्तु विनिमय में देखा था ना कि वस्तु विनिमय के अंदर जो मेन प्रॉब्लम क्या थी, हम बचत नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपके पास यदि शीघ्र नशी वस्तु का उत्पादन कर रहे तो आप उसे कैसे भविष्य के लिए बचाओगे। तो मुद्रा वो होती है जो मूल्यों का संचय करे, मूल्यों के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं विस्तृत हो एवं लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती हो।
अरे बच्चों समझ में, तो मुद्रा कौन सी होगी जो क्या हो, विनिमय का माध्यम हो, स्थगित भुगतानों का मान हो, मूल्य का मापक हो, बचत का मान हो, मतलब जिसके द्वारा हम बचत कर सकते हो, और स्वतंत्र और विस्तृत हो और सभी लोगों के द्वारा स्वीकार्य हो, उसे हम मुद्रा कहेंगे। तो आया बच्चों आपको समझ में कि मुद्रा किसे कहेंगे? मुद्रा उस वस्तु को कहेंगे जिसके द्वारा हम विनिमय कर सकते हैं, हम अपनी बचत कर सकते हैं, मूल्य का मापक कर सकते हैं, हम अपने स्थगित भुगतानों का निर्वहन कर सकते हैं, और जो स्वतंत्र और विस्तृत हो और सभी लोगों के द्वारा मान्य हो। तो इस तरह मुद्रा की ये परिभाषा जो कि सर्वमान्य हो गई। अब बच्चों हमने बात तो कर ली मुद्रा की परिभाषाओं की, जिसमें अपन ने हार्टले विदर्स की परिभाषा देख ली, नेव की देखी, सेलिंगमन की देख ली और मार्शल की, और इस तरह हमारी एक सामान्य परिभाषा आ गई। तो बच्चों इसको देख करके घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुद्रा की परिभाषा को याद करने का एक अच्छा तरीका ये है कि अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुद्रा के कार्य देखेंगे। तो मुद्रा के जितने भी कार्य हैं वही तो उसकी परिभाषा है। तो यदि आप परिभाषा कहो चाहे कार्य कहो, दोनों एक ही है। यदि आपने परिभाषा याद कर ली है तो कार्य आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, और यदि आपको कार्य ध्यान में है तो परिभाषा बच्चों आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है, स्थगित भुगतानों का मान है, मूल्यों के संचय के साधन के रूप में, स्वतंत्र एवं विस्तृत एवं लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। तो ये तो हो गई मुद्रा के परिभाषा की बात। अब आते हैं मुद्रा की पूर्ति। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय प्रवाह है। प्रवाह का क्या अर्थ होता है? प्रवाह का अर्थ होता है एक निश्चित अवधि में जब हम किसी आर्थिक चर का अध्ययन करते हैं तो वो क्या कहलाता है बच्चों? प्रवाह कहलाता है। और अब और स्ट्रोक के लिए मैंने क्या कहा था, किसी एक निश्चित बिंदु के ऊपर हम जब किसी आर्थिक चर का अध्ययन करते हैं तो हम उसको कहते हैं स्ट्रोक। तो मुद्रा हमारा क्या है? मुद्रा का अध्ययन हम किसी एक निश्चित बिंदु पर करते हैं कि एक निश्चित बिंदु पर, समय बिंदु के ऊपर इस तारीख को देश में कितनी मुद्रा है ये पता करते हैं, और वही कहलाती है मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति क्या है? एक स्ट्रोक है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति का अध्ययन हम एक निश्चित समय बिंदु पर करते हैं। अब हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा की पूर्ति के कुछ विकल्प बताए हैं। पहला विकल्प, जब कम ज्ञान था, जब मुद्रा का इतना विस्तृत रूप नहीं पता था, उस वक्त मुद्रा को क्या माना था? C+DD+OD। अब सी क्या है? किसी निश्चित समय बिंदु के ऊपर जितने भी उपभोक्ता हैं उनके पास जो करेंसी, नोट, रुपया, एक तो वो सारी मुद्रा, प्लस डी डी डिपॉजिट डिमांड, यानी किसी निश्चित समय बिंदु के ऊपर जितने भी ग्राहक हैं, जितने भी उपभोक्ता है उनकी जो मांग जमा है वो, प्लस ओडी अदर डिपॉजिट, मतलब जिनकी जो अन्य जमा है। एक तो मांग जमा होती है, अभी हम और आगे पढ़ेंगे जिसमें आपको मांग जमा है, बचत खाता है ना, चालू खाता, उसके बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा मांग जमा क्या है। अभी इतना समझ लीजिए कि एक तो मांग जमा है और एक कुछ होती है अन्य जमाएं भी होती है बैंक के अंदर बच्चों। तो जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा की पूर्ति की जो प्रथम जो विकल्प दिया था वो था कि C+DD+OD, मतलब एक निश्चित समय बिंदु के ऊपर लोगों के पास जो करेंसी वो, प्लस उनकी मांग जमाए, प्लस अन्य जमाए, यदि हम इन तीनों को जोड़ दें तो किसी समय बिंदु पर वो मुद्रा की पूर्ति हो जाता है। आया बच्चों समझ में? लेकिन ये बहुत संकुचित धारणा लगी क्योंकि इसके अंदर कई सारी चीजों को इन्वॉल्व नहीं किया गया। तो फिर दूसरे विकल्प में बताया उन्होंने M2 में क्या करा, पहले तो M1 ले लिया, M1 मतलब C+DD+OD, और उसमें जोड़ दिया डाकघर बचत बैंकों में जमा है। हमारे जो पोस्ट ऑफिस के अंदर भी हमारा क्या है, जमाएं होती है। तो जब M1 के अंदर हम M1 मतलब C+DD+OD उसमें अपन ने क्या जोड़ दिया, डाकघर में जो हमारी बचतें जमाएं उसको जोड़ दिया, तो आ गया हमारा M2। ये भी हमको संकुचित लगा, तो फिर विकल्प आया M3, और M3 के अंदर क्या किया, M1 के अंदर हमने व्यावसायिक बैंकों की निवल सावधि जमाओं को भी जोड़ दिया। M1 तो ले लिया वापस, यानी C+DD+OD तो था ही सही, उसके साथ व्यावसायिक बैंक जितने भी हमारे व्यापारिक बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसमें जो हमारी शुद्ध फिक्स्ड डिपॉजिट जो उसमें जमा होते हैं उसको भी इसके अंदर जोड़ लिया। अभी भी ये धारणा बहुत संकुचित लगी, तो उसके अंदर हमने M4 एक और विकल्प आया दिया, RBI ने एक और विकल्प दिया M4, और M4 में क्या किया उन्होंने, M3 को लिया। M3 मतलब C+DD+OD प्लस व्यावसायिक बैंकों की निवल सावधि जमाएं, और उसमें जोड़ दिया डाकघर बचत संस्थाओं में कुल जमाएं। आया बात समझ में? तो M4 के अंदर क्या गया, ये सभी चीज आ गई, M1 आ गई मतलब
सी प्लस डी डी प्लस ओडू ओडी यानी लोगों के पास जो करेंसी नोट है वो, लोगों की मांग जमाएं, लोगों के अन्य जमाएं, साथ में व्यावसायिक बैंकों की निवल सावधिक जमाएं और डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाएं। तो इसमें डाकघर भी आ गया, बचत बैंक भी आ गए, कमर्शियल बैंक भी आ गए और लोगों की अपनी करेंसी भी आ गई। तो किसी निश्चित समय बिंदु के ऊपर M4 अर्थात सी प्लस डी डी प्लस ओडी प्लस डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाएं और व्यावसायिक बैंकों की निवल सावधिक जमाएं, ये सब मिलाकर के बच्चों क्या बन गया, किसी निश्चित समय बिंदु पर मांग की पूर्ति, मुद्रा की पूर्ति। आया समझ में? तो आज अपन ने क्या देखा, मुद्रा की परिभाषा, जिसमें अपन ने देखा कि मुद्रा क्रय विक्रय या विनिमय का साधन है, वो हमारे भावी बचत का भी अमान है, हमारी जो स्थगित भुगतान है उसका भी मान है, मूल्य का भी मापक है, स्वतंत्र और विस्तृत है और सभी लोगों के द्वारा स्वीकार्य है। मुद्रा की परिभाषाएं हमने देख ली, जो सामान्य परिभाषा थी उसके पहले जो चार अर्थशास्त्रियों ने परिभाषा थी वो भी देखी, फिर हमने देखा कि मुद्रा की पूर्ति, जिसमें अपन ने कहा कि मुद्रा एक स्टॉक है, किसी निश्चित समय बिंदु के ऊपर जो मुद्रा होती है वही मुद्रा की पूर्ति कहलाती है, और निश्चित समय बिंदु के ऊपर मुद्रा की पूर्ति के लिए हमारे RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चार विकल्प दिए, M1, M2, M3 और M4। M1, M2 और M3 संकुचित अवधारणाएं थी, लेकिन M4 के अंदर सभी तरह की मुद्राओं की बात हो गई जो एक निश्चित समय बिंदु के ऊपर देश के किसी भी कोने के अंदर हो सकते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना काफी है, अब हम 17 लेसन का थर्ड वीडियो पढ़ेंगे जिसके अंदर अपन देखेंगे मुद्रा के कार्य। तो तब तक बच्चों इन वीडियो को अच्छे से देखिए, पहला और दूसरा वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिए और दोनों वीडियो के बाद में जो मैंने फोटो अपलोड किए उससे आप अपने नोट्स बना लीजिए, ताकि आपको ये चैप्टर यहाँ तक अच्छे समझ में आ जाए और जो बाकी लेसन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।